शिखा श्रीवास्तव मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं मेरी वो रेसिपी कौन सी है। दोस्तों आज मैं आपको हरी मिर्च को हम किस तरह से भरकर तैयार करें ये बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने धोकर पोंछ लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, सभी मिर्ची में बीच से चीरा लगाना है। ये देखिए इस तरह से आप कट का निशान लगाएं। मैंने मिर्ची की जो डंडियां हैं उन्हें अलग नहीं किया है, क्योंकि जब हम मिर्ची को सेकते हैं तो इन डंडियों से हमें इसे पलटने में बड़ी आसानी होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो मिर्ची के थोड़े से सीड्स निकाल दें, क्योंकि ये मिर्ची थोड़ी सी तीखी ज़्यादा होती है, तो कई बार बहुत ज़्यादा तीखी होने के कारण भी इसे खाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यदि आप बहुत तीखा पसंद नहीं करते हैं तो थोड़े से सीड्स निकाल दें। इसलिए मैं आपको 1-2 मिर्ची में इस तरह से सीड्स निकाल कर दिखा रही हूँ, तो इससे थोड़ी सी स्पाइसी इसका जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस इसी तरह से सभी हरी मिर्च में हम चीरा लगाकर तैयार कर लेंगे। और दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बेसन के साथ इसकी स्टफिंग बताई थी, बेसन को रोस्ट करके पूरे ड्राई मसाले डालकर बताई थी। आज मैं आपको आलू के साथ इसकी स्टफिंग बता रही हूँ। यह मिर्ची बड़ी ही अच्छी लगती है, आप इसे चावल दाल के साथ खाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए, बड़ा मज़ा आता है इसे खाने में। तो आज जो मैं आपको इसकी स्टफिंग बता रही हूँ वो बता रही हूँ आलू के साथ। तो बस मैंने 4 आलू उबाल लिए हैं, आलू को छील कर हमें मैश करना है और फिर हम इस आलू को बघारेंगे। यदि आप आलू को बघारना नहीं चाहते हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप इस उबले हुए आलू में ही सभी सूखे मसाले मिक्स कर सकते हैं। परंतु अभी मैं आपको बघार कर दिखा रही हूं कि अगर हम बघार कर भी आलू को बनाते हैं तब तो बड़ा मजा आता है, और यदि आप नहीं बघारना चाहते तो उबले आलू में आप नमक, काला नमक, जीरा, लाल मिर्च, हरा धनिया और अमचूर पाउडर जरूर डालना है। दोस्तों हमें खटाई के लिए कुछ ना कुछ चीज का यूज करना है तो अमचूर पाउडर डालना है। तो अभी तो खैर मैं आपको आलू को बघारना बता रही हूँ। तो इतने आलू मैंने लिए हैं जिन्हें कि मैं मैश कर रही हूँ, और मैश करने के बाद अब हम इसे बघारेंगे। तो मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। इस हरी मिर्च को बनाने में मैंने हमेशा देखा दोस्तों कि बहुत कम तेल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा तेल नहीं लगता है, तेल हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा हल्का सा कड़क गया उसके बाद मैंने इसमें डाला है 2 बारीक कटे हुए प्याज, और प्याज को अब हमें हल्का सा सुनहरा करना है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है ये मिर्ची मेरे हाथों, तो घर में सब इस मिर्ची को बहुत ही पसंद करते हैं दोस्तों। तो मैं हमेशा अलग अलग तरह की स्टफिंग इसकी तैयार करती हूँ, कभी बेसन और दही वाली स्टफिंग करती हूँ तो कभी आलू वाली करती हूँ। तो बेसन वाली स्टफिंग तो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसलिए आज मैं आपके साथ आलू वाली रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। नमक डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, और मेरे हिसाब से तो इसमें अब मिर्च की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मिर्च खुद अपने आप में बहुत स्पाइसी होती है, इसलिए अब हम लाल मिर्च इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। और ये जो उबला हुआ आलू है जिसे हमने मैश कर लिया है वो अब इसमें मैंने डाल दिया है, और बस बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और ये हमारे आलू की स्टफिंग तैयार है। परंतु अभी एक चीज रह गई है जो कि बहुत जरूरी है, इस मिर्च में थोड़ा सा खट्टापन होना जरूरी है दोस्तों। तो खट्टापन करने के लिए आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल दिया और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और बहुत अच्छी तरह से मैं आलू को भून रही हूँ। आप देख रहे होंगे कम से कम 5 मिनट तक के मैंने आलू को बहुत अच्छी तरह से सेक लिया है। 1 चुटकी मैंने इसमें शक्कर डाली है, 1 चुटकी, क्योंकि खटाई के साथ बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर भी होती है दोस्तों, तो इसकी स्टफिंग को खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। बस अब खटाई के लिए आपको, अगर मैंने तो अमचूर डाल दिया है, अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और अब ये जो स्टफिंग के आलू हैं वो बहुत अच्छी तरह से सिक चुके हैं। तो अब इस आलू को हम किसी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और कढ़ाई को खाली कर लेंगे, क्योंकि अब हमें इन आलू को मिर्ची में भरना है। उसके बाद हम मिर्ची को सेकने रखेंगे, हम मिर्ची को बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है। तो ये आलू की स्टफिंग बस हल्की सी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं इसे मिर्ची में भरना शुरू करती हूँ। तो मिर्ची में तो हमने पहले से चीरा लगा कर रखा था, और ये जो हमारी स्टफिंग है ये भी तैयार है। बस थोड़ी थोड़ी सी हम स्टफिंग लेते जाएंगे और इसमें बहुत अच्छी तरह से दबा दबा कर भरेंगे ताकि स्टफिंग बाहर निकलने ना पाए। जितनी ज़्यादा हम इसमें स्टफिंग भरेंगे उतना ही इस मिर्ची को खाने में मज़ा आता है, और हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा ये मिर्ची को पसंद किया जाता है।
तो आप देख रहे हैं मैं बहुत सारी स्टफिंग इसमें भरती जा रही हूँ जितने इसके अंदर फिल हो रही है, और फिर हल्का सा मैं इसे प्रेस कर दे रही हूँ। वैसे तो इसकी स्टफिंग दोस्तों जब हम इसे सेकेंगे फ्राई करेंगे तो ये खुलेगी नहीं, निकलती नहीं है, परंतु फिर भी आप चाहें तो धागे से इसे बांध सकते हैं। कई बार मैं इस तरह से धागे की रील ले लेती हूँ और थोड़ा सा हल्का सा सहारा दे देती हूँ धागे से, ताकि बिल्कुल भी स्टफिंग खुलने ना पाए। और वैसे भी नहीं करेंगे तो भी आलू के कारण ये जो है अपन ने स्टफिंग की है दोस्तों वो चिपक जाता है, तो बिल्कुल भी बाहर निकलने का डर नहीं रहता है। तो बस इस तरह से एक एक हरी मिर्च उठाती जा रही हूँ मैं, और सब में मैंने धागा लगा दिया है। और बस जब आप इसे सर्व करेंगे, तलने के बाद जब सर्व करेंगे दोस्तों, तो इसका धागा निकालना ना भूलें, नहीं तो घर वालों को परेशानी होगी कि अरे हमें धागा निकालना पड़ रहा है। तो बस अब मैंने फिर से वही कढ़ाई रख दी है और एक चम्मच तेल डाल दिया है, और अब इस तेल में मैं एक एक करके हरी मिर्च डाल रही हूँ। आपने देखा मैंने कढ़ाई में सिर्फ एक चम्मच तेल डाला है। मैंने हमेशा ये चीज़ अनुभव की है कि इस मिर्ची को तलने में बहुत कम तेल लगता है, और कभी भी डिप फ्राई ना करें। अब ऊपर से ज़रूर मैंने आधी छोटी चम्मच तेल डाला कि ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा तेल रहे तो ये मिर्ची सिकेगी जल्दी। चुटकी भर नमक डाल दिया है कि मिर्ची में भी थोड़ा सा नमक होना चाहिए, स्टफिंग में तो नमक है परंतु मिर्ची के ऊपर के कवर में नमक होना, इसलिए मैंने नमक स्प्रिंकल किया, आपको दिख रहा होगा। और एक एक बार मिर्ची की डंडी पकड़ के मैंने इन्हें पलट दिया है, या आप ये चम्मच की सहायता से भी इसे पलट सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मिर्ची बहुत अच्छी सीख रही है, इसे सीखते हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। मैं इसे धीमी आंच पर बढ़िया सेकती जा रही हूँ। आपको इस तरफ से साइड से करके मैंने तेल दिखाया है दोस्तों, बहुत कम तेल लगा है, जितना तेल डाला था करीब करीब उतना बच गया है। थोड़ी सी इसकी स्टफिंग जो मैंने बचा के रखी थी वो भी मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि जब मिर्ची के साथ हम इसकी स्टफिंग भी परसते हैं खाने में तो सबको खाने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्टफिंग भी डाल दी है कि वो भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। अब आप देख रहे हैं मेरी सभी मिर्चियाँ तल चुकी, दोनों साइड से मैं पलट पलट कर सेक रही हूँ, और ये हमारी आलू वाली हरी मिर्ची बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाएं, और राइस के साथ खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ साथ मैं सभी मिर्चियों के धागे निकालना बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं ऊपर से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।